जय हिंद दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ CCRAS यानी के केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद भर्ती 2019 के बारे में, जो कि LDC UDC पदों के लिए निकाली गई है, जिसमें कि ऑल इंडियन कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में एक एक करके पूरी जानकारी देने वाला हूँ। पर दोस्तों उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि ये जानकारी उन सभी लोगों तक पहुंच जाए जो लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं या फिर जो लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं पूरी जानकारी। दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आप यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स चेक कर सकते हो। जो इसमें फॉर्म फिलअप होने की स्टार्ट डेट है वो 20 नवंबर सुबह 10 बजे, यानी कि आज से इसमें फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट हो चुके हैं, और आप 19 दिसंबर 2019 शाम 5:30 बजे तक अप्लाई ऑनलाइन कर पाओगे। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के बाद मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर के आने वाला हूँ, जिसमें कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो अगर आपने इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए बेल आइकन के साथ में, ताकि जैसे ही फॉर्म फिलअप की वीडियो हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अब दोस्तों यहाँ पर वैकेंसी डिटेल देख लेते हैं। अपर डिवीजन क्लर्क ग्रुप सी के लिए जो आपकी वैकेंसी है वो 14 है, और इस पर आपको 5,200 रुपये से लेकर 20,200, साथ ही आपको 2,400 रुपये का ग्रेड पे दिया जाएगा। और ये कैटेगरी वाइज वैकेंसी किस प्रकार है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। दूसरी आपकी पोस्ट है लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि LDC, इसके लिए 52 पद निकाले हैं, और इस पोस्ट पर आपको सेम सैलरी दी जाएगी, पर यहाँ पर आपको जो ग्रेड पे दिया जाएगा वो 1900 रुपये होगा। और जो आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी है वो भी आप यहाँ पर चेक कर पा रहे हो। अब दोस्तों नीचे चलते हैं और इसके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सबसे मेन जानकारी है इसमें आवेदन करने के लिए क्वालिफिकेशन की। तो यहां पर जो आपकी क्वालिफिकेशन रखी गई है यूडीसी पोस्ट के लिए वो डिग्री है, यानी कि किसी भी डिसिप्लिन में आपके पास ग्रेजुएट की योग्यता होनी चाहिए। अगर आप LDC पोस्ट पर आवेदन करना चाहते हो तो आपसे 12वीं पास की योग्यता या फिर उसके बराबर कोई योग्यता मांगी है, बेसिकली 12वीं पास ही मांगी है। और साथ ही आपके पास टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग जानते हो तो आपकी स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होने चाहिए। अगर आपको हिंदी की टाइपिंग आती है तो आपके 30 वर्ड पर मिनट होने चाहिए हिंदी में, और ये आपके कंप्यूटर पर होने चाहिए। हिंदी की जो टाइपिंग है इसमें जो आपके फॉन्ट रहने वाला है वो मंगल हो चाहे फिर कृतिदेव हो, कोई भी इसमें चलेगा, बस आपको टाइपिंग आनी चाहिए इस स्पीड के साथ में। अब दोस्तों देखते हैं एज लिमिट यानी कि आपकी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर मिनिमम एज लिमिट 18 साल रखी गई है और मैक्सिमम एज लिमिट 27 साल है। पर इसके अलावा SC ST को 5 साल की छूट और OBC को 3 साल की छूट आयु सीमा के अंदर दी जाएगी। अब यहाँ पर आप ये भी देख लीजिए कि आपका जो रिटर्न एग्जाम का शेड्यूल है वो किस प्रकार का रहने वाला है। यहाँ पर डेट मंथ टाइम इन्होंने ऐसे ही दिया है, पर आपको एग्जैक्ट डेट नहीं दी है। अपर डिवीजन क्लर्क के लिए आपका रिटर्न टेस्ट होगा, और जो आपकी लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है इस पर भी आपका रिटर्न टेस्ट होगा। यहाँ पर रिटर्न टेस्ट फॉर LDC एंड UDC will be held on the same day in different session, यानी कि जो आपका एग्जाम होगा वो सेम डे होगा डिफरेंट सेशन के अंदर। बेसिकली शिफ्ट अलग अलग होगी, पर जो आपका दिन होगा वो सेम दिन ही रहेगा। डेट एंड टाइम विल बी इंटीमेटेड सेपरेटली, और जो डेट एंड टाइम है वो भी आपको सेपरेटली अलग अलग मालूम हो जाएगी। फिर आता है टू बी इंटीमेटेड सेपरेटली आफ्टर रिटर्न टेस्ट रिजल्ट, यानी कि जो आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा वो भी आपको जब आप रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई कर जाओगे उसके बाद मालूम हो जाएगा कि कहां पर आपका ये होने वाला है, उसके बारे में आपको जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और जो आपके सेंटर ऑफ एग्जाम रहने वाले हैं यानी कि कहां कहां पर आपका एग्जाम होगा, तो यहां पर आपका दिल्ली, औरंगाबाद, चेन्नई, कोलकाता, गुवाहाटी, लखनऊ, चंडीगढ़, यानी कि इन शहरों के अंदर ही आपका रिटर्न एग्जाम होगा, इसके अलावा कहीं पर भी आपका रिटर्न एग्जाम नहीं होगा। तो दोस्तों ये थी आपकी पूरी जानकारी जिसमें कि मैंने आपको बताया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा, जिसमें कि मैं आपको सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में डिटेल्ड में जानकारी दूंगा। अभी के लिए आप इस जानकारी के माध्यम से अगर एलिजिबल पाए जाते हो आवेदन करने के लिए, तो आप नेक्स्ट वीडियो को देख करके इसमें अप्लाई कर लीजिएगा। अब दोस्तों इसकी एप्लीकेशन फीस के बारे में भी जान लेते हैं कि इसमें आवेदन करने के लिए किस कैंडिडेट को कितनी फीस देनी होगी, क्योंकि कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि फीस से डिसाइड करते हैं कि इसके अंदर हमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए ₹100 फीस रखी गई है। इसके अलावा जितनी भी कैटेगरी बचती है और साथ ही फीमेल कैंडिडेट, चाहे वो किसी भी कैटेगरी
कैटेगरी से बिलोंग करती है उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इसमें जनरल ओबीसी को सिर्फ 100 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी है, अन्य कैटेगरी कैंडिडेट्स को कोई भी फीस देने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट में एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ ज्ञानदेव होस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बैल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।